आपका स्वागत है। किसान प्रधान सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। इस वर्ष प्रदेश में होने वाले चुनाव में भी किसानों का ही मुद्दा सर्वोपरि रहेगा। 2018 के चुनाव में किसानों की कर्ज माफी के वादे ने कांग्रेस को एक बड़ी बहुमत दी थी। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस ने इसी घोषणा को अपना मास्टर स्ट्रोक बना लिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफी का वादा जोड़ने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सक्ती पहुंचे हुए थे, जहां आम सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि अगर छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आती है तो किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी का मुद्दा एक बड़ा फैक्टर कांग्रेस की जीत में साबित हुआ था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी से यह घोषणा कर यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस एक बार फिर किसानों के हितों को केंद्र बिंदु रखकर घोषणा पत्र तैयार करने वाली है। सीएम की इस बड़ी घोषणा पर भाजपा ने जमकर आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कहना है कि यह सरकार का भ्रम है, यह कितनी भी घोषणा कर ले छत्तीसगढ़ में परिवर्तन आ रहा है। छत्तीसगढ़ में किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए इस कर्ज माफी का कोई मतलब नहीं है। आज एक चौथी घोषणा, पहला जाति जनगणना, दूसरा 20 क्विंटल धान, तीसरा 17.5 लाख आवास और चौथा आज किसानों का कर्ज माफ। चार घोषणाएं अभी तक के, चार गारंटी, चार घोषणाएं ये हुआ और किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब जैसे पिछले समय हम लोगों ने किया था उसी तर्ज पे होगा, उसके बाद फिर शंका क्यों हो रही है? इसमें शंका फिर क्या है, है ना? पिछले 5 साल में बहुत सवाल किए विधानसभा में, सारे जवाब दे दिए गए थे और हमने कहा कि उसी तर्ज पे होगा जैसे पिछले कार्यकाल में हमने किया था, पिछले समय जो 5 साल पहले किया था उसी हिसाब से होगा। मतलब ये लोग कुछ करेंगे नहीं, इनको मालूम है, सवाल इसलिए कर रहे हैं कि उनको विपक्ष बनाना है। धन्यवाद उसके लिए अजय जी को। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। साढ़े 17 लाख आवास और चौथा आज किसानों का कर्ज माफ, चार घोषणाएं अभी तक के, चार गारंटी, चार घोषणाएं।